12 महीनों से एक ही तरीके से एक्टिंग करने वाली आसिन अब अपना एटीट्यूड दिखा रही है। रेडी इज अ सुपर डुपर हिट और आसिन अब प्रोड्यूसर से करीना कपूर जितने फीस मांग रही है। फर्स्टली प्रोड्यूसर्स आसिन के हाई हैंडेड बिहेवियर से पहले ही परेशान है। द सेकेंड थिंग दैट इज गोइंग अगेंस्ट आसिन इज प्रिडिक्टेबिलिटी। आसिन रेपिटेटिव एक्टिंग कर रही है, नो ड्रामा नो नॉवेल्टी ओनली प्लेन सांबर विद नो तड़का, दैट इज व्हाई ऑडियंस का दिल ही नहीं धड़का। तीसरा, आसिन से जुड़े लोग फिल्म में भी इंटरफेयर करते रहते हैं, आसिन बेबी ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी। पर्सनल लाइफ में भी आसिन ने नील नितिन मुकेश के करियर का सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि अच्छे फिल्म मेकर्स को उनसे दूर भगाने में भी उनका ही हाथ है। और अब पर्सनली आसिन नील से कोई लिंकअप नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें सलमान जैसे कोस्टार मिल गए। आसिन ने अपने करियर में ना कभी किया है कोई स्कैंडल, ना सिन, ना किया है कभी कोई यादगार सीन, देन हाउ कैन शी एक्सपेक्ट टू बी द बॉलीवुड क्वीन? व्हाट डू यू से सिमी? आसिन, करीना की तरह फी चार्ज करने से पहले ये पता कर लो कि बेबो की फी में होते हैं कितने जीरो। अगर कोट करोगी प्रोड्यूसर्स को ऐसा अमाउंट, तो ना मिलेगी कोई फिल्म और ना मिलेगा कोई हीरो।